नागेशगंज की ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसला दी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा सातवीं के लिए महाभारत में संकलित पाठ क्रमांक 14 देखा था, जिसका नाम था शकुनी का प्रवेश। आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 15, जिसका नाम है चौरस का खेल व द्रौपदी की व्यथा। बच्चों, इस पाठ में हम आगे की ओर बढ़ने से पहले पिछले पाठ में यानी कि शकुनी का प्रवेश, इसमें क्या देखा था यह जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम आज क्या करेंगे, पिछले पाठ का पुनराध्ययन करेंगे। शकुनी जो है वह दुर्योधन का मामा होता है। पिछली पाठ में हमने यह देखा था कि युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बैठे हुए होते हैं और वार्तालाप करते समय वह अपने भाइयों से यह कह देते हैं कि उन्होंने यह निश्चय किया है कि इस युद्ध की संभावना को मिटाने के लिए ही वह क्या करेंगे, अगले 13 वर्ष अपने भाइयों के कहे अनुसार पूरा राज चलाएंगे। और इसी अनुसार वह क्या करते हैं, अपना आचरण भी रखते हैं। आगे चलकर ऐसा होता है कि शकुनी ने दुर्योधन को समझाते हुए यह कहा कि पांडवों के सौभाग्य पर उसे जलन होती है, क्योंकि उसने राजसूय यज्ञ में पांडवों का जो ठाट बाट है वह देखा था और इसी कारण दुर्योधन के मन में ईर्ष्या निर्माण हो चुकी थी। तो यह बात वह अपने मामा से कहता है और इस पर क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न भी दुर्योधन अपने मामा शकुनी से पूछता है। तो शकुनी उसे एक सलाह देता है कि तुम्हें युद्ध की बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे युद्ध भी ना हो और पांडव पुनः वापस हस्तिनापुर आए भी ना। और ऐसी एक तरकीब शकुनी के पास है, ऐसा वह दुर्योधन से कहते हैं। जब दुर्योधन से वह ऐसे कहते हैं तो दुर्योधन वह क्या तरकीब है यह जानने की इच्छा मन में रखता है और शकुनी से वह प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसे पांडव पुनः वापस नहीं आ सकेंगे। तो पांडव ने यह कहा कि जो युधिष्ठिर है उसे चौरस खेलने का बड़ा शौक है, परंतु चौरस का खेल उसे खेलने नहीं आता है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, युधिष्ठिर को चौरस खेलने का निमंत्रण देना चाहिए और जब वह चौरस खेलने के लिए आएगा तो उस वक्त तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा, अर्थात दुर्योधन की ओर से शकुनी चौरस खेलेंगे। आगे चलकर वह यह कहते हैं कि जब चौरस का खेल शुरू हो जाएगा तो युधिष्ठिर को उस खेल में वह हराएंगे और हराकर उससे उसकी संपत्ति, धन दौलत, राज्य यह सब छीन कर लेंगे। और यही दुर्योधन तथा शकुनी में तय होता है। अतः इसके पश्चात जो युधिष्ठिर है उसे चौरस का आमंत्रण देने के लिए आज्ञा मांगने के लिए वह क्या करते हैं, धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, परंतु धृतराष्ट्र इस बात के लिए कतई ही सहमत नहीं होते हैं क्योंकि चौरस का खेल उन्हें सही नहीं लगता है। परंतु पुत्र मोह के कारण युधिष्ठिर को न्योता देने के लिए अंत में धृतराष्ट्र विदुर को ही भेज देते हैं इंद्रप्रस्थ। यह हमने क्या किया था, शकुनी का प्रवेश इस पाठ में देखा था। तो बच्चों, आज हम इसके आगे का भाग अर्थात हमारा पाठ क्रमांक 15 जो है चौरस का खेल व द्रौपदी की व्यथा यह देखेंगे। विदुर धृतराष्ट्र की निर्देश पर इंद्रप्रस्थ गए और वहां युधिष्ठिर से कहा कि हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनवाया गया है, उसे देखने और चौरस खेलने के लिए महाराज धृतराष्ट्र ने आपको बुलाया है। युधिष्ठिर ने चौरस के खेल को बुरा मानते हुए उसके विषय में विदुर की राय जाननी चाहिए। अब देखिए, यहाँ दुर्योधन ने तो अपने जो पिता है धृतराष्ट्र, इनसे युधिष्ठिर को निमंत्रण भेजने की सहमति मांगी, परंतु धृतराष्ट्र इस बात के लिए कतई तैयार नहीं होते हैं, परंतु आगे चलकर पुत्र मोह के कारण वह विदुर को आमंत्रण भेजने के लिए इंद्रप्रस्थ भेजते हैं। तो देखिए, विदुर धृतराष्ट्र के निर्देश पर यानी कि धृतराष्ट्र के कहने पर, उनके मार्गदर्शन पर वह क्या करते हैं, इंद्रप्रस्थ जाते हैं। और जैसे ही वह इंद्रप्रस्थ जाते हैं तो वहां जाने के पश्चात वह युधिष्ठिर से मिलते हैं, क्योंकि वह युधिष्ठिर को ही न्योता देने के लिए गए थे ना,
इसीलिए वह क्या करते हैं, युधिष्ठिर से मिलते हैं और उसके पश्चात वह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनवाया गया है। तुरंत विदुर ने कहा है क्या कि आपको चौरस खेलने का आमंत्रण देने मैं आया हूँ? नहीं। तो विदुर कहते हैं कि हस्तिनापुर में क्या किया गया है, खेल खेलने के लिए एक सभा मंडप बनवाया है। तो उसे देखने और चौरस खेलने के लिए महाराज धृतराष्ट्र ने क्या किया है, आपको बुलाया है। तो देखिए यहाँ विदुर ने क्या कहा कि महाराज धृतराष्ट्र की यह इच्छा है कि चौरस खेलने के लिए आप आ जाए, इसलिए उन्होंने मुझे क्या किया है, आपको आमंत्रण देने के लिए भेजा है। ऐसा विदुर धृतराष्ट्र से कहता है क्या? नहीं। ऐसा विदुर किसे कहता है? युधिष्ठिर से कहता है। बच्चों ध्यान से सुनिए, युधिष्ठिर ने चौरस के खेल को बुरा बताते हुए उसके विषय में विदुर की राय जाननी चाहिए। अब देखिए जो युधिष्ठिर है, जैसे कि धृतराष्ट्र को भी यह खेल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह पांडवों को आमंत्रण देने के लिए पहले स्वीकृत नहीं होते हैं, परंतु यह युधिष्ठिर जो है वह भी क्या करता है, इस चौरस के खेल के बारे में वह अधिक जानकारी प्राप्त उसे नहीं थी, वह अधिक नहीं जानते थे, इसीलिए युधिष्ठिर को ऐसा लगता था कि उनकी सोच ऐसी थी कि यह चौरस का खेल बुरा है। तो वह क्या करते हैं, विदुर से इस चौरस के खेल को बुरा बताते हुए इस विषय में विदुर की क्या राय है, उन्हें क्या लगता है, यह जानने की कोशिश करते हैं। विदुर बोले, यहां तो किसी से छिपा नहीं है कि चौरस का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरकस कोशिश की थी कि इससे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। अब देखिए यह जो विदुर है वह अपना मत प्रकट नहीं करना चाहते हैं, परंतु फिर भी विदुर क्या करते हैं कि युधिष्ठिर के बार बार पूछने पर उसे कहते हैं कि यह बात तो किसी से छुपी नहीं है, यानी कि सब लोगों को यह बात पता है या सबको इस बारे में जानकारी है कि चौरस का जो खेल है वह बुरा है और जो सारा अनर्थ घटता है, यानी कि जो भी बुरा होता है वह किसकी वजह से होता है, इस चौरस के खेल की वजह से, यानी कि जो भी अनर्थ की जड़ होता है वह कौन होता है, चौरस का खेल, यानी कि जो भी बुरा घटित होता है, जो अघटित घटित होता है, उन सारी बातों का मूल कारण क्या है, यह चौरस का खेल है। ऐसा विदुर क्या करते हैं, युधिष्ठिर से कहते हैं। आगे चलकर विदुर जो है वह युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैंने तो भरकस कोशिश की थी। विदुर क्या कहते हैं कि मैंने तो भरकस, भरकस अर्थात भरपूर, ज्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में, तो वह कहते कि मैंने तो बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, यानी कि विदुर भी यह नहीं चाहता है कि चौरस का खेल खेला जाए, मतलब विदुर अपनी इच्छा युधिष्ठिर के सामने प्रकट करता है और वह कहता है कि मैं ये खुद यह नहीं चाहता हूँ, या मेरी कोशिश यह थी कि मैं इस खेल को होने न दूं, परंतु क्या हो गया कि जो धृतराष्ट्र है, जो मेरे राजा है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी, उनकी आज्ञा यह थी कि मैं क्या करूं, स्वयं तुम्हें इस खेल के लिए न्योता दे दूं, और इसीलिए राजा ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करते हुए मैं स्वयं ही तुम्हें इस खेल का न्योता देने या इस खेल के लिए आमंत्रित करने आया हूं। तो यहां विदुर स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र का जो संदेश है वह युधिष्ठिर से कहते हैं, वह कहते हैं कि धृतराष्ट्र जो है उनकी यह इच्छा थी, इसीलिए उनकी आज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें इस खेल के लिए न्योता देने आया हूँ, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अब विदुर जो है वह युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, मतलब निमंत्रण देना चौरस के खेल के लिए, आमंत्रित करना यह मेरा कार्य था मेरी राजा के अनुसार या राजा की आज्ञा के अनुसार, परंतु यह खेल बुरा है। यह विदुर क्या करते हैं, युधिष्ठिर को समझाते हैं और वह आगे चलकर उसे यह भी कहते हैं कि अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम करो, अगर तुम यहाँ आना चाहते हो हस्तिनापुर इस खेल में सम्मिलित होने के लिए तो तुम आ सकते हो, तुम्हारा स्वागत है, और तुम नहीं आना चाहते हो तो भी यह तुम्हारी इच्छा है। ऐसा विदुर युधिष्ठिर से बोलते हैं। राजवंश की परंपरा अनुसार खेल के आमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। दूसरे, युधिष्ठिर को डर था कि मना करने को धृतराष्ट्र
अपना अपमान ना समझ बैठे। अतः युधिष्ठिर सह परिवार हस्तिनापुर पहुंच गए। अब देखिए यहाँ जो न्योता है वह उनके काका या उनके चाचा श्री जो है धृतराष्ट्र इनकी ओर से आया था और युधिष्ठिर यह सोचते हैं कि जो राजवंश है इस राजवंश की जो परंपरा है उसके अनुसार खेल के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। अब देखिए यहाँ युधिष्ठिर को अपनी परंपराओं का भी ज्ञान है और वह अपनी परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वह ऐसा सोचते हैं कि जो राजवंश की परंपरा है ना उस परंपरा के अनुसार क्या नहीं किया जाता, खेल के आमंत्रण को या खेल के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। और दूसरा डर उनके मन में यह था कि अगर वह इस खेल के लिए मना करते हैं या वह नहीं जाएंगे तो इस बात को लेकर धृतराष्ट्र ऐसा ना समझ बैठे कि यह युधिष्ठिर की ओर से उनका अपमान हो गया है। इन सारी बातों से युधिष्ठिर काफी चिंतित होते हैं, परंतु उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो चाचाश्री है यानी कि जो धृतराष्ट्र है वह अगर युधिष्ठिर न जाए तो इस बात को अपना अपमान न समझ ले। इसी कारण युधिष्ठिर क्या करता है, सपरिवार यानी कि उनके पूरे परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, हस्तिनापुर। शकुनी ने युधिष्ठिर को खेल खेलने के लिए कहा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजन यह खेल ठीक नहीं है, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखे देने के समान है, आप तो यह सब बातें जानते ही हो। अब देखिए शकुनी ने क्या किया कि यह तो इन्होंने पहले ही तय किया था शकुनी और दुर्योधन ने कि वह क्या करेंगे, युधिष्ठिर को चौरस खेलने के लिए तैयार करेंगे। उसी के अनुसार यह जो शकुनी होता है वह क्या करता है, युधिष्ठिर को खेल खेलने के लिए कहता है, परंतु युधिष्ठिर उसे उत्तर देता है कि राजन, देखिए कितने आदरपूर्वक युधिष्ठिर ने कहा है शकुनी को कि राजन, वह बताता है कि यह जो चौरस का खेल है यह खेल ठीक नहीं है, यह खेल अच्छा नहीं है, बुरा है। और युधिष्ठिर आगे चलकर यह भी कहता है कि बाजी जीत लेना साहस का कार्य नहीं है या साहस का काम, मतलब एक खेल को अगर हम जीतते हैं तो उसमें कोई साहस नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है एक खेल को जीतना। और युधिष्ठिर कहते हैं कि जुआ खेलना धोखा देने के समान होता है, मतलब यह बात भली भांति युधिष्ठिर भी जानते थे कि जुआ खेलना क्या है, किसी को धोखा देने के समान है। तो वह कहते हैं कि आप तो यह सब जानते ही हो ना, मतलब युधिष्ठिर यहाँ शकुनी को ही प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ सारी बातें तो आपको पता है ना, आप जानते ही हो ना। तो शकुनी बोलता है, आप भी क्या कहते हो महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है, हाँ यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। अब देखिए किसी भी प्रकार से शकुनी को क्या करना है, युधिष्ठिर को जुआ अर्थात चौरस खेलने के लिए बिठाना है, उसे तैयार करना है, इसीलिए शकुनी क्या कहता है कि आप भी क्या कहते हो, मतलब वह युधिष्ठिर को ही झूठा ठहराने की कोशिश यहाँ करता है और कहता है कि आप भी क्या कहते हो महाराज, मतलब एक हाथ खेल अगर हम खेलते हैं तो उस खेल में धोखा देने की कोई बात नहीं है। वह आगे चलकर युधिष्ठिर को उकसाते हुए कहते हैं कि हाँ आप यह कहिए, यानी कि शकुनी दुर्योधन की ओर से या युधिष्ठिर को तैयार करने के इरादे से या हेतु से वह कहता है कि हाँ अब तुम यह कह रहे हो कि यहाँ इसमें कोई धोखा देने जैसी बात है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। तो शकुनी आगे चलकर वो कहता है कि हाँ आप यह कह सकते हो कि आपको हार जाने का डर है, मतलब वह युधिष्ठिर से कहता है कि तुम्हारे मन में एक डर है और वह डर कौन सा है कि तुम इस खेल में चौरस के खेल में हार जाओगे और इसीलिए तुम क्या नहीं कर रहे हो, चौरस खेलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, ऐसा शकुनी कहते हैं। अब युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूंगा, आप कहते हैं तो मैं तैयार हूं, मेरे साथ खेलेगा कौन। अब देखिए यह जो युधिष्ठिर है वहां शकुनी पर थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं, थोड़े से चिढ़ जाते हैं और चिढ़कर बोलते हैं, क्योंकि शकुनी ने क्या कहा है, युधिष्ठिर को उसके अहम भाव को दुखाया है और कहा है कि आपको डर लगता है कि आप खेल में हार जाओगे, परंतु सच में ऐसी बात नहीं थी कि युधिष्ठिर इस बात से डर नहीं रहे थे, परंतु उन्हें चौरस खेल खेलना सही नहीं लग रहा था, इसी कारण वह खेलने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु शकुनी की बातें सुनकर युधिष्ठिर काफी क्रोधित होते हैं और कुछ गर्म होकर अर्थात क्रोधित होकर वह बोलते हैं कि राजन, यानी कि शकुनी को वह राजन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं डर रहा हूं,
अगर मुझे कोई खेलने का आमंत्रण दे दे या मैं मुझे कोई आकर कहे कि तुम यह चौरस का खेल खेलो, तो मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, क्योंकि खेल का आमंत्रण आता है तो उसे खेलना चाहिए और यह रघुवंश की परंपरा है। तो वह कहते हैं कि चलो आप कहते हैं तो आपके लिए मैं क्या हो जाता हूँ, इस चौरस के खेल को खेलने के लिए तैयार होता हूँ, परंतु प्रश्न यह है कि मेरे साथ खेलेगा कौन। तो दुर्योधन तुरंत बोल उठता है, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। अब देखिए यह जो दुर्योधन है उसके मन के अनुसार सारी बातें हो रही थी, क्योंकि युधिष्ठिर खेल के लिए तैयार हो चुके थे। तो इसी कारण जब युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि मेरे साथ कौन खेलेगा, तो दुर्योधन जो होता है ना वह तुरंत बोल उठता है, एक पल का भी समय वह नहीं गवाता और बोलता है कि मेरी जगह खेलेंगे तो कौन खेलेंगे, मेरे जो मामा है शकुनी वह खेलेंगे। परंतु आगे चलकर दुर्योधन यह कहता है कि अगर मेरे मामा खेलेंगे लेकिन ऐसा होगा कि उस खेल के लिए या उस दाव के लिए जो भी कुछ लगाया जाएगा, चाहे संपत्ति हो, धन हो, रत्नादि हो, मतलब जो भी वस्तु उस खेल के लिए दाव पर लगाई जाएगी वह कौन दूंगा, मैं दूंगा। यानी कि दुर्योधन वह सारी वस्तुएं या जो भी धन रत्नादि उस दाव पे लगेंगे वह सारा कौन देगा, दुर्योधन देगा। तो युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अब युधिष्ठिर न्यायप्रिय राजा है, वह धर्म के अनुसार चलता है, तो उन्हें यह बात सही नहीं लगती है कि दुर्योधन की जगह उसके मामा शकुनी खेले। तो तुरंत जो युधिष्ठिर होते हैं वह बोलते हैं कि मेरी राय यह है, यानी कि मेरा मानना यह है कि तुम्हारी जगह कोई दूसरा खेले, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह खेल के जो साधारण नियम होते हैं ना उनके विरुद्ध होता है, यह खेल के नियमों में बैठकर नहीं होता है। तो इसलिए युधिष्ठिर इस बात के लिए मना करते हैं कि एक की जगह कोई दूसरा नहीं खेलना चाहिए, ऐसा कहते हैं। खेल प्रारंभ हो गया। सभा मंडप में भीम, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भीम उपस्थित थे। अब देखिए इस खेल को प्रारंभ हो गया, यह बहुत बहुत बड़ी मात्रा में यह खेल खेला जाने वाला था, या इस यह खेल कौरव पांडवों के बीच में होने वाला था। इसी कारण जो सभा मंडप लगवाया गया था उस सभा मंडप में भीष्म, जो पितामह भीष्म है ना, जो देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए महाभारत में, तो वह भीष्म, कृप अर्थात कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे जो वयोवृद्ध व्यक्ति थे वह भी क्या थे, उस खेल को देखने के लिए वहां उपस्थित थे। अब क्या होने लगा, दाव पर दाव चलते गए, और युधिष्ठिर को यह खेल आता ही नहीं था चौरस। उन्हें बड़ी रुचि थी उस खेल में, बड़ा शौक था उस खेल का, परंतु उन्हें खेलने नहीं आता था। तो दाव पर दाव चलते गए, और इन सारे दावों में युधिष्ठिर जो है वह क्या करते गए, अपनी हर बाजी हारते चले गए। सेना हारी उन्होंने, देश की प्रजा हारी, उनके जो दास दासी थे उन्हें हारे, हाथी घोड़े हार चुके थे वह, आभूषण जो थे वह आभूषण भी वह हार चुके थे इस दाव में। अंत में उनके जो चारों भाई थे वह चारों भाई भी उन्होंने दाव पर लगा दिए, परंतु उन्हें भी वह हार गए। अब उनके पास कुछ नहीं बचा, तो युधिष्ठिर जो है वह स्वयं उस दाव पर लग जाते हैं, और जब स्वयं अपने आप को वह उस दाव पर लगाते हैं तो वह खुद अपने आप को भी वह क्या करते हैं, उस चौरस के खेल में हार जाते हैं। शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने कभी हारी नहीं है। अब देखिए शकुनी जो है वह तो कुनीति से चलने वाला व्यक्ति था, उसने तो जैसे कि ठान ही लिया था कि युधिष्ठिर के पास जो भी कुछ है वह सारा हासिल करके ही रहेगा, और उसने वैसे किया भी कि हर दाव पर वह क्या करता गया, युधिष्ठिर को हारता गया, और उसकी सेना, देश की प्रजा, दास दासियां, हाथी, घोड़े, आभूषण एवं उसके चार भाई तथा स्वयं युधिष्ठिर को भी उसने क्या किया था, इस खेल में जीत लिया था। अब शकुनी अंत में युधिष्ठिर से कहते हैं कि और एक ऐसी चीज है तुम्हारे पास जो तुमने अभी तक क्या नहीं की है, हारी नहीं है, मतलब वो चीज जो है उसको तुमने अभी तक दाव पे लगाया ही नहीं, तो तुम हारोगे कैसे। तो यही बात शकुनी उससे कहता है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अब देखिए
शकुनी कहता है अगर उस चीज को तुम दाव पे लगा दोगे या उस वस्तु को तुम दाव पे लगा दोगे और तुम जीत जाओगे तो तुम क्या कर सकते हो अपने आप को भी इस खेल से, या तुमको जो भी तुमने कुछ हारा है उसे भी तुम क्या कर सकते हो, पुनः वापस प्राप्त कर सकते हो। अब यह क्या है कि युधिष्ठिर ने क्या नहीं दाव पे लगाया है और क्या उसके पास बाकी शेष बचा हुआ है? तो शकुनी आगे चलकर कहता है कि अपनी पत्नी द्रौपदी जो है उसको तुमने अभी दाव पर नहीं लगाया है, तो तुम द्रौपदी को दाव पर क्यों नहीं लगाते? अब देखिए शकुनी जो है वह कितना कूटनीतिज्ञ है। अंत में उसने युधिष्ठिर का सारा जीत लिया, उसकी धन संपत्ति, दास दासी, हाथी घोड़े आभूषण, उसके भाई स्वयं युधिष्ठिर को भी उसने जीत लिया। परंतु अंत में उसे ऐसा लगता था कि जो युधिष्ठिर की पत्नी है द्रौपदी उसको दाव पर अभी तक नहीं लगाया, तो वह युधिष्ठिर से भी यह बात कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है जिसको तुमने अभी तक दाव पर नहीं लगाया है, तो अब जो अगला दाव होगा तो तुम उसको उस दाव में द्रौपदी को क्यों नहीं लगाते हो? ऐसा शकुनी कहता है। किसे कहता है? युधिष्ठिर से कहता है। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी बाजी लगा दी और शकुनी ने यह बाजी जीत ली। अब देखिए जिसकी मति मारी जाती है उसको कुछ सही और गलत में से कुछ फर्क नहीं समझ में आता। जैसे ही शकुनी ने बताया कि तुम अब क्या करो कि द्रौपदी को दाव पर नहीं लगाया है तो उसको दाव पर लगाओ, और बाजी अगर तुम जीत गए या तुम जीत जाओगे तो क्या होगा, जितना सब कुछ तुम हार चुके हो उसे तुम पुनः प्राप्त कर सकते हो। तो शकुनी की बातों में आकर युधिष्ठिर ने क्या किया, द्रौपदी को भी दाव पर लगा लिया। अब जैसे ही उसने द्रौपदी को दाव पर लगा लिया, बाजी खेली गई, तो उस बाजी को युधिष्ठिर हार गए, वह बाजी शकुनी ने जीत ली। अब जब ऐसा हो गया तो सभा में हाहाकार मच गया, कोलाहल मच गया, धिक्कार की आवाजें आने लगी, सब धिक्कार करने लगे दुर्योधन का। तभी दुर्योधन ने विदुर से द्रौपदी को रानीवास से लाने के लिए कहा। अब देखिए जब द्रौपदी दाव पर लग गई और उसे जीत चुका था शकुनी, तो दुर्योधन तुरंत क्या करता है, कहता है विदुर से कहता है कि, तो क्या कहता है दुर्योधन विदुर से, वह विदुर से कहते हैं कि द्रौपदी को क्या करो, रानीवास से लाने के लिए दुर्योधन कहता है। मतलब जो द्रौपदी थी जो रानीवास में रुकी थी तो उसे सभा मंडप में लाने के लिए विदुर से कहा जाता है। तो विदुर बोलता है मूर्ख नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है, अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है? विदुर को यह बात अच्छी नहीं लगती और विदुर हमेशा कौरवों का भला चाहता है, तो विदुर को यह बात सही नहीं लगती और उसे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो कौरवों का नाश निश्चित है। इसीलिए विदुर बोलते हैं, दुर्योधन को मूर्ख कहते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुम ऐसा करने से क्या कर रहे हो, अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो। वहां आगे चलकर दुर्योधन से कहते हैं कि अपनी जो विषम परिस्थिति है, तुम्हारी जो परिस्थिति है कि तुम पांडवों के किसी भी प्रकार से बराबरी नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारी यह जो विषम परिस्थिति है इसका तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। ऐसा विदुर किसे कहते हैं, दुर्योधन से कहते हैं। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। देखिए विदुर ने सही बात कही है कि हम खुद को दांव पर लगा सकते हैं लेकिन किसी दूसरे को हम दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते, और यह गलत बात है। तो दुर्योधन को उन्होंने तो फटकारा कि अगर वह पांचाली अर्थात जो द्रौपदी है उसे अगर वह लाते हैं सभा मंडप में तो इससे क्या होगा, दुर्योधन स्वयं ही अपनी मृत्यु को न्योता दे रहा है और यह बात गलत है। तो वह कहता है कि विदुर कहता है कि सभासदों की ओर देखता है और उन्हें संबोधित करते हुए कहता है कि अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए, यानी कि युधिष्ठिर ने यह बात गलत की है, ऐसा विदुर कहता है। विदुर के इस व्यवहार के बाद दुर्योधन ने प्रतिकामी को रानीवास में भेजा। अब देखिए
विदुर ने क्या किया, मना कर दिया जाने के लिए। तो दुर्योधन क्या करता है, प्रतिकामी को रानीवास में भेजता है। क्यों भेजता है, कि उसे द्रौपदी को लाने के लिए भेजता है। उसने द्रौपदी से कहा कि द्रुपद राज की पुत्री, वह पांचाल नरेश द्रुपद की बेटी है ना, पुत्री है ना, इसलिए वह कहता है कि द्रुपद राज की पुत्री चौरस के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठे हैं। वह बताता है कि युधिष्ठिर आपको चौरस के खेल में दाव पर हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई है, क्योंकि राजा दुर्योधन ने आपको जीता है खेल में। तो राजा की आज्ञा यह है कि अब आपको क्या करना है, धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है, और इसी कारण मैं क्या कर चुका हूँ, आपको लेने के लिए आया हूँ। अब यह प्रतिकामी जो है वह स्पष्ट रूप से द्रौपदी से कहता है, जो भी घटना घटित हुई वह भी कहता है, और द्रौपदी को क्यों आना है यह भी बताता है। वह बताता है कि चौरस के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं, और अतः इसी कारण अब क्या हो चुकी है, आप युधिष्ठिर ने आपको हारा है, तो आप दुर्योधन के अधीन हो गई है। और दुर्योधन की यह आज्ञा है कि अब आपको क्या करना है, जो धृतराष्ट्र का महल है उसमें दासी का काम करना है, और इसी कारण मैं क्या कर चुका हूँ, आपको लेने के लिए आया हूँ। प्रतिकामी ने सभा मंडप का सारा हाल द्रौपदी को सुना दिया। तभी द्रौपदी ने सारा हाल सुनने के बाद कहा कि जो हारने वाला खिलाड़ी है ना, यानी कि जो युधिष्ठिर है, जो हार चुका है, उस हारे हुए खिलाड़ी से जाकर तुम क्या करो, पूछो कि पहले उन्होंने अपने आप को हारा है या मुझे हारा है। अब द्रौपदी यह जानने की इच्छा रखती है कि सबसे पहले कौन हार चुका है, युधिष्ठिर स्वयं हार चुके हैं या उन्होंने पहले मुझे दाव पर लगाया और हार चुके हैं। तो वह प्रतिकामी से कहती है कि यह पूछकर आओ तुम उसे। तभी प्रतिकामी ने यह बात सभा में कह दी। तो दुर्योधन ने कहा, उनसे जाकर कहो कि स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न पूछे। द्रौपदी ने जाने से मना करते हुए कहा कि यदि युधिष्ठिर उत्तर नहीं देते हैं तो सभा में जो सज्जन बैठे हैं उनका उत्तर आकर मुझे बता दो। अब जैसे कि द्रौपदी ने कहा कि जो हारा हुआ खिलाड़ी है, यानी कि जो युधिष्ठिर है, उससे यह प्रश्न पूछ के आओ कि पहले वह स्वयं को हार चुके हैं या मुझे हार चुके हैं। तो प्रतिकामी आकर यह बात सभा में जब बताता है तो दुर्योधन कहता है कि पहले तुम क्या करो, जाकर द्रौपदी को यह कहो कि स्वयं ही उसे यहाँ आना चाहिए और युधिष्ठिर को यह प्रश्न पूछना चाहिए। प्रतिउत्तर में द्रौपदी कहती है कि नहीं, अगर युधिष्ठिर इस बात का उत्तर नहीं दे सकते तो जो सभा मंडप है उसमें जो सज्जन बैठे हैं ना, उनसे पूछो और उनका उत्तर जो भी है वह आकर तुम मुझे बताओ। प्रतिकामी के लौटने पर झल्लाते हुए दुर्योधन ने क्या किया, दुशासन को भेजा, जो उसका भाई है। तो दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और उसे घसीटता हुआ क्या कर किया, उसने सभा भवन में लेकर आया। अब देखिए, इस दृश्य को देखकर धृतराष्ट्र का जो पुत्र था विकर्ण, उसने कहा कि उपस्थित वीरों सुनिए। अब यह जो विकर्ण है वह भला मानस था, तो वह कहता है सभा में उपस्थित सारे वीरों को संबोधित करते हुए कि सुनिए, जो युधिष्ठिर है, उस युधिष्ठिर को धोखे से बुलाया गया है, और यह जो खेल खेला गया है ना, यह न्यायोचित खेल नहीं खेला गया है। द्रौपदी को दाव पर लगाने का युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह पांचों पांडवों की पत्नी है। और दूसरी बात वह यह कहता है कि युधिष्ठिर जब खुद हार गए हैं तो द्रौपदी पर बाजी लगाने का अधिकार उनको नहीं है, ऐसा विकर्ण कहता है। तीसरा यह है कि शकुनी ने उनको ऐसा करने के लिए उकसाया गया था, अतः यह सारा खेल किसके विरुद्ध हो गया, नियम के विरुद्ध हो गया। तो द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है, ऐसा कहता है विकर्ण। तो विकर्ण के भाषण से भ्रम का पर्दा हट गया, सबको सच्चाई का पता चल गया। तो सभा में कोलाहल मच गया, शोर मच गया। यह सब देखकर कर्ण ने क्रुद्ध होकर, यानी कि क्रोधित होकर विकर्ण से कहा कि अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम ऐसे कैसे बोल पड़े, तुम्हें यहाँ तर्क वितर्क का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे कर्ण विकर्ण को समझाता है। तो इसी मध्य दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगता है। जो जो वह द्रौपदी की साड़ी खींचने लगता है, त्यों त्यों उसका जो वस्त्र है वह वस्त्र बढ़ता ही चला जाता है।
अंत में खींचते खींचते जो दुशासन है उसकी दोनों भुजाएं थक जाती हैं और वह हांफता हुआ थकान के कारण चूर होकर बैठ जाता है। दुशासन की इसी हरकतों को देखकर भीम ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की कि मैं इस दुरात्मा दुशासन की छाती को चीरकर ही दम लूंगा। और इन सब लक्षणों को देखते हुए धृतराष्ट्र समझ गया कि अब यह सारा जो भी घटित हुआ है वह सारा गलत घटित हुआ है, सही नहीं हुआ है। अतः उन्होंने द्रौपदी को सांत्वना दी और युधिष्ठिर का राज्य लौटा दिया। इसके बाद पांडव द्रौपदी सहित इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को इस बात के लिए उन्होंने मना लिया कि पांडवों को एक बार पुनः चौरस का खेल खेलने के लिए बुलाया जाए। तो युधिष्ठिर ने पिछली घटना से दुखी होते हुए भी क्या कर लिया, चौरस का खेल खेलने का न्योता स्वीकार कर लिया। और इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपनी भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यही इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास पुनः भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए गए वादे के अनुसार वन में चले गए। तो हमारा यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।